नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। 22 दिसंबर यानी कि आज का दिन साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसे विंटर सोल्स्टिस भी कहते हैं। इस दिन सूरज की दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक होती है। इस पूरे विंटर सीजन में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध को काफ़ी रोशनी मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त पृथ्वी अपने घूर्णन के अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। साइंटिफिक भाषा में अगर देखा जाए तो इसे दक्षिणायन भी कहा जाता है। रात इसमें करीब 16 घंटे की होती है, जबकि दिन करीब 8 घंटे ही रहता है। इस दौरान उत्तरी ध्रुव पर रात हो जाती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य चमकता रहता है। इससे ये समझ आता है कि इस दिन दुनिया को दो हिस्सों में दो अलग अलग तरीकों से दिख रहा है, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा दिन। दिन के छोटे या बड़े होने का कारण है धरती यानी कि अर्थ की पोजीशन। हमारा ग्रह भी दूसरे सारे ग्रहों की तरह अपनी दूरी पर लगभग 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इस तरह झुके होकर अपनी दूरी पर चक्कर लगाने के कारण होता ये है कि सूरज की किरणें किसी एक जगह ज़्यादा और दूसरी जगह कम पड़ती हैं। जिस जगह सूरज की रोशनी कम देर के लिए आती है वो दिन छोटा हो जाता है, और जिस जगह पर सूरज की रोशनी ज़्यादा देर के लिए आती है यानी कि सूरज की रोशनी ज़्यादा देर के लिए पड़ती है तो वो दिन बड़ा दिन हो जाता है। तो ऐसे में ये सूरज की रोशनी की वजह से दिन छोटा और बड़ा दिन हो जाता है। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। तो ये साल के 6 महीने सूरज की ओर झुका रहता है। इससे सूरज की अच्छी खासी रोशनी इस पूरे दौरान आती है। इन महीनों में गर्मी रहती है, बल्कि बाकी 6 महीनों में ये जो जगह है वो सूरज से दूर हो जाते हैं। तब से ही दिन छोटे होने लगते हैं। देश में भी ये दिन साल का सबसे छोटा दिन है, लेकिन ये समय सारे शहरों और राज्यों में अलग अलग लंबाई का होगा। जैसे किसी शहर में दिन किसी दूसरे शहर के एकाध मिनट लंबा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बाकी सारे दिनों की तुलना में सबसे छोटा रहने वाला है और रात सबसे लंबी रहने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई से जुड़े रहें।